वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। गर्मियों से बचने के लिए अक्सर मैं कुछ ऐसी रेसिपीज ढूंढती हूँ कि हमें किचन में गैस के ऊपर काम ना करना पड़े। तो आज मैं इसे एक डेजर्ट लाई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, हमारा देसी डेजर्ट है जिसे मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। उसके लिए मैंने ये आधा कप दूध लिया है, ठंडा दूध है, चिल्ड दूध है। इसमें मैं डालूंगी एक टेबलस्पून जितना स्ट्रॉबेरी क्रश। हम एडिशनल चीनी ऐड नहीं करने वाले हैं, आधा चम्मच मैं और ऐड करूंगी। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूंगी। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं भिगोए हुए आधा कप पोहे, जिससे हम पोहे बनाते हैं जाड़े वाले, वही है। इसे मैंने अच्छे से धो के निचोड़ लिया है, पानी में से निकाल लिया है। ये देखिए, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसे 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी और चिल्ड होने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें बादाम, अखरोट और काजू हैं, जिसे मैंने माइक्रोवेव में हल्का सा रोस्ट कर लिया था और इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, मुंह में आए वैसे। यहाँ पे मैंने एक बोल में 2 टेबलस्पून जितने अनार लिए हैं, उसके साथ दूसरे फ्रूट्स भी मैं डालने वाली हूँ, जिसमें मैंने लिया है 2 टेबलस्पून जितना एप्पल, 2 टेबलस्पून है संतरा और 2 टेबलस्पून हरे अंगूर है, जिसे मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। सारी चीज़ें मैंने छोटी छोटी कट कर लिया है। सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगी। इसका पानी हमें ऐड नहीं करना है, जो संतरा का पानी निकला है वो। फ्रूट्स आपकी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। मैंने टोटल 1.5 कप जितना फ्रूट्स ले लिया है सारा। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1 से 2 टेबलस्पून जितना ये चॉकलेट सॉस। स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है और ये फ्रूट्स में भी इसका टेस्ट चॉकलेट का अच्छा लगता है। एक बार ट्राई कीजिएगा आप फ्रूट्स के साथ चॉकलेट सॉस। इसे भी मैंने मिला लिया है और इसे भी मैं 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी सेट होने के लिए। देखिए, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले हमारे पोहे भी रेडी हैं। थोड़ा सा इसने दूध एब्जॉर्ब कर लिया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। इसके साथ चॉकलेट फ्लेवर वाले हमारे फ्रूट्स भी रेडी हैं। अब हम असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए मैंने इस तरह से जार ले लिया है। आप चाहें तो बोल में भी इसको असेंबल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दूध और पोहा डाल दूंगी। इस रेसिपी का नाम आप मुझे सजेस्ट करके कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। देखिए, मैंने जार में डाल दिया है। मैं एक ही पोर्शन बना रही हूँ, एक आदमी खा सके इतना ही बना रहे हैं हम। देखिए, अच्छे से मैंने लेवल कर लिया है। थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट्स डाल लूँगी इसके ऊपर। हमारा नटी फ्रूटी जैसा दूध पोहा बनने वाला है। आप सोच रहे होंगे अक्सर दूध पोहा तो शरद पूनम पे ही खाया जाता है, लेकिन मैं डिनर स्किप करके बहुत बार इस तरह से दूध पोहा खाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट, ये फ्रूट्स चॉकलेट फ्लेवर वाले हैं, उसे डाल दूंगी। इसका मैं ज्यादा लेयर करूंगी, थोड़ा सा बड़ा। फिर से मैं पोहे वाला लेयर कर दूंगी। इस तरह से जार में बना के आप ऑफिस में या कॉलेज में भी ले जा सकते हैं। रात को बना के आप रख दीजिएगा। ओवरनाइट ओट्स जैसे बनाते हैं, मैं इस तरह से ओवरनाइट के पोहे बना रही हूँ। हमारे इंडियन तरीका मैंने इस्तेमाल किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थोड़े से क्रंची ड्राई फ्रूट्स डालेंगे।
इसी आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या रात को डेजर्ट के तौर पे भी बना सकते हैं। और पोहे की जगह आप ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पोहे लिए हैं क्योंकि पोहे अक्सर सबके घरों में होता ही है। और ये चॉकलेट फ्लेवर वाले फ्रूट्स ज़रूर से इसे भी ट्राई कीजिएगा। बचे हुए ड्राई फ्रूट सारे मैं डाल दूंगी और जार को मैं इस तरह से पैक करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। कम से कम एकदम चिल्ड सर्व कीजिएगा, 3 से 4 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए। अच्छे से सेट भी हो जाएगा और सारे टेस्ट एक दूसरे में मर्ज भी हो जाएंगे। ये देखिए, आपको नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ ये किस तरह से बना हुआ है। अगर एक जार आप खा लेते हैं लंच या डिनर में तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कभी मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से नटी फ्रूटी वाले दूध पोहे या ओट्स डालकर भी आप खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेम्पटिंग नटी फ्रूटी से दूध पोहे, बहुत ही मज़ेदार ऐसा मेरा डिनर तैयार है। अच्छे से सेट हो चुका है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले पोहे, उसके साथ ही चॉकलेट फ्लेवर वाले हमारे फ्रूट्स। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग ऐसा हमारा नटी फ्रूटी जार बनके तैयार है। आप इसे इसका क्या नाम देना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप इसे किस वक्त ले रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या डेजर्ट, किस टाइम पर आप इसे लेना पसंद करेंगे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसका एकदम टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आ चुका है। हल्का सा इसे हम ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि मिक्स हो जाए थोड़ा सा और हम इसका बाइट ले सकें। ये देखिए, दूध पोहे को शरद पूनम पे तो ज़रूर से खाइएगा, लेकिन गर्मियों में भी इस तरह सा एक फुल मील जितना हम ले सकते हैं तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।